हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्डपैड चलाना सीखे, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उन फंक्शंस के कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाएं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट का अपना एप्लीकेशन है, इसलिए इसे एमएस वर्डपैड भी कहा जाता है। वर्डपैड एक रिचेस्ट फॉर्मेट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट, लेटर, एप्लीकेशन और रिज्यूम बनाने में किया जाता है। इसका इंस्ट्रक्शन नेम .rtf होता है और इसमें लिखे गए मैटर को अलग अलग तरह से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे वर्डपैड को ओपन करना। वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम आएंगे अपने स्टार्ट बटन पे। यहाँ से हम टाइप कर लेंगे वर्डपैड। वर्डपैड टाइप करने के बाद हमारा सबसे ऊपर वर्डपैड शो होने लगेगा। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद हमारा वर्डपैड हमारे सामने स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे इसके सभी विंडोज और इसके अंदर आने वाले कमांड तथा उसके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा विंडो आता है टाइटल बार। टाइटल बार से हमें पता चलता है कि हम किस फाइल अथवा किस प्रोग्राम पे कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है हमारा टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो दोस्तों, जैसा कि इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे जो सभी शॉर्टकट हैं, इसको हम यहीं से शो अथवा हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा फाइल मेन्यू, इसे हम वर्डपैड मेन्यू भी कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग कमांड आते हैं जिसके द्वारा हम फाइल या फिर डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आने वाले सभी कमांड को बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो कि बताना चाहता हूँ। जैसे कि जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, इसको हम कहते हैं रूलर। इसके द्वारा हम यह देखते हैं कि मैटर पेज पर कहां तक लिखा जा रहा है और इसके द्वारा हम टैब पोजीशन भी सेट करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बार। तो दोस्तों, जहां तक आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो भी मैटर लिखा है ये टेक्स्ट बार की जगह पर लिखा है। ये जो हमारा होता है इसे हम टेक्स्ट बार कहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारा आता है वह है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, जैसे कि हम माउस से भी अपना स्क्रॉल कर सकते हैं, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो ये हमारा स्क्रॉल बार राइट साइड में था, इसे हम सिंपली क्लिक करके हम स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं फाइल मेन्यू के अंतर्गत आने वाले सभी कमांड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला कमांड न्यू होता है। इस कमांड के द्वारा हम न्यू ब्लैंक फाइल लेते हैं। उसके बाद ओपन, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ होता है। इस कमांड के द्वारा सेव किए गए फाइल को ओपन करते हैं। इसके बाद आता है सेव। इस कमांड के द्वारा फाइल को किसी नेम से किसी लोकेशन पर सेव करते हैं। इसके बाद आता है सेव एज। इस कमांड के द्वारा किसी फाइल को अलग अलग नाम से या फिर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा प्रिंट। इस कमांड के द्वारा फाइल को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके हम प्रिंट नेम, प्रिंट रेंज तथा इसका नंबर ऑफ कॉपी भी सेट करते हैं। इसमें हम मिलते हैं हमको क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट, इस कमांड के द्वारा हम अपने फाइल को क्विक प्रिंट करते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू, जिससे हम चेक करते हैं हमारा जो भी मैटर है, जो हमारा फाइल है, ये हमारे पेज पे सही से आ जा रहा है या फिर नहीं। इसके बाद आता है हमारा पेज सेटअप। अगर हमारा जो भी मतलब हमने प्रिंट कर रहे हैं वो हमारा सही से नहीं आ रहा है, तो हम अपने पेज को अच्छी तरह से सेट करके उसके बाद प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा एग्जिट, इसका शॉर्टकट अल्ट प्लस F4 होता है। इस कमांड के द्वारा वर्डपैड प्रोग्राम से हम बाहर आते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा होम टैब, जो कि फाइल मेन्यू के जस्ट राइट साइड में होता है। होम टैब के अंतर्गत आने वाला हमारा पहला कमांड कट होता है।
जिसका शॉर्टकट Ctrl+X है। इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर को कट करते हैं। जैसे कि मैंने इस मैटर को सिलेक्ट किया, अब मैं कट के द्वारा इसे कट कर लूँगा। तो दोस्तों देखिए हमारा मैटर कट हो चुका है। इसके बाद कॉपी, इस कमांड के द्वारा सिलेक्ट मैटर को हम कॉपी करते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। तो दोस्तों पहले इसे सिलेक्ट कर लूँ, इसको सिलेक्ट हो गया, इसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद पेस्ट, इसका शॉर्टकट Ctrl+V होता है। इस कमांड के द्वारा हम कट अथवा कॉपी किए गए मैटर को पेज पर किसी दूसरे स्थान पे पेस्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने अपने मैटर को कॉपी किया था, अब इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा पेस्ट हो चुका है। कॉपी और कट में बस एक ही अंतर है, कॉपी किया गया वर्ड कभी डिलीट नहीं होता, वह उस स्थान पे भी रहता है, उसके बाद जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी रहेगा, और कट में जब आप उसको कट करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा, लेकिन आप पेस्ट करेंगे तो वह दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा फॉन्ट, जो हमारा जहाँ पे कर्सर है इसे फॉन्ट कहते हैं, हम इसे फॉन्ट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F। इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट मैटर के फॉन्ट को चेंज करते हैं। जैसे मैंने इस मैटर को सेलेक्ट किया, इसके द्वारा हम यहाँ से फॉन्ट फैमिली में से कोई दूसरा फॉन्ट ले आके कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा फॉन्ट साइज। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा फॉन्ट का साइज 18 है, हम इसे 20 भी कर सकते हैं, जितना हमारा मन करे उतना हम कर सकते हैं। इसमें मिनिमम साइज 8 है और मैक्सिमम 72 है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा ग्रो फॉन्ट। ये है हमारा ग्रो फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+G है। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर को बड़ा करते हैं। जैसा कि अभी हमारा ये मैटर्स ऑलरेडी इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम ग्रो फॉन्ट करेंगे, ये फॉन्ट हमारा बढ़ता जाएगा। इसके बाद आता है, इसके बगल में है श्रिंक फॉन्ट। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर को छोटा करते हैं। जैसा कि मैंने इसे किया, ये छोटा हो गया। इसके बाद आता है हमारा बोल्ड। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर को बोल्ड करते हैं। जैसा कि मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसके आगे क्लिक करके, इसके बाद इसे हम बोल्ड कर देंगे। इसका शॉर्टकट Ctrl+B होता है। इसके बाद आता है हमारा इटैलिक, इसका शॉर्टकट Ctrl+I होता है। इसके द्वारा हम सेलेक्ट मैटर को इटैलिक या फिर हम कह सकते हैं इसको टेढ़ा करते हैं। जैसे कि मेरा मैटर सेलेक्ट है ऑलरेडी, इसको हम बोल्ड से हटा देते हैं, इसको हम इटैलिक कर देते हैं, ये इटैलिक हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट Ctrl+U होता है। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर के नीचे लाइन लाते हैं, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रिक थ्रू, इस कमांड के द्वारा सेलेक्ट मैटर के बीच में लाइन आते हैं। जैसे हमारा कभी भी मैटर लिखते समय अगर गलत हो जाए, इसे हम सेलेक्ट करके इसको स्ट्रिक थ्रू कर दें, जिससे जिसके पास भी फाइल जाए वो जान जाए या वर्ड इसमें गलत है। इसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+=। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर के नीचे मतलब बेस में सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग फार्मूला बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift++ होता है। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर के लाइन के ऊपर मतलब पावर में लाते हैं। इसका भी मोस्टली यूज मैथमेटिक्स फार्मूला बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसा कि ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर लगाने के काम आता है। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट कलर, इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर में टेक्स्ट को कलर चेंज करते हैं। जैसे कि ये हमारा मैटर मैंने सेलेक्ट किया, इसके हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। जैसे ये हमारा ब्लैक है, इसको हम रेड कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट, इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट पैराग्राफ के इंडेंट को कम करते हैं।
इसके बाद इसके राइट साइड में आता है इंक्रीज इंडेंट। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टार्ट ए लिस्ट। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट पैराग्राफ को अलग अलग लिस्ट में करते हैं, जैसा कि अभी हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसमें हम कई सारे बुलेट्स भी ऐड करते हैं, सबको हम बुलेट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमको 1, 2, 3 कर लेना है। ये हमारा एक में आ गया। इसके बाद इसी तरह से हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लगा लेंगे ABC। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पैराग्राफ वाइज बन गया है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा लाइन स्पेसिंग। इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर के या फिर सिलेक्ट पैराग्राफ के बीच में लाइन को स्पेस को सेट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो अभी इसमें हम स्पेस को बढ़ा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके बीच का स्पेस बढ़ गया है, इसमें का अभी नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। इसका शॉर्टकट Ctrl+L होता है। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर के लाइन को लेफ्ट में लाते हैं। जैसे कि अभी हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसके बाद इसको हम लेफ्ट में ऑलरेडी है। इसके बाद आता है सेंटर। इसका शॉर्टकट Ctrl+E होता है। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट मैटर को लाइन के बीच में करते हैं, जैसे कि ये हमारा सेंटर में हो गया। ऐसे ही आता है, इसको हम राइट में करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+R होता है। इसके बाद आता है जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Z होता है। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट पैराग्राफ को लेफ्ट एंड राइट से दोनों तरफ से बराबर करते हैं, जैसा कि अभी हम क्लिक करेंगे, ये दोनों साइड से बराबर हो गया। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पिक्चर। इस कमांड के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव या किसी भी फोल्डर से फोटो को पेज पर इंसर्ट करते हैं, जैसा कि हमारे जो भी कंप्यूटर में जो भी पिक्चर रहेगा उसको हम यहाँ पे लाके लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेंट ड्राइंग। इसका शॉर्टकट Ctrl+D होता है। इस कमांड के द्वारा हम पेंट प्रोग्राम में जाकर वहाँ से किसी भी ड्राइंग को बनाकर वर्डपैड पे इंसर्ट करते हैं, जैसा कि अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैं एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें कलर फिल करके मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देखिए, यहाँ पे हमारा आ चुका है। मैंने जो भी ड्रॉ किया पेंट में वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली लग गया है। इसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम। इस कमांड के द्वारा हम अपना कर्सर जहाँ भी रखेंगे वहाँ पे हमारा करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि हमारा आज का डेट एंड टाइम है, यहाँ पे हम ओके करेंगे, ये हमारा डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फाइंड, जो कि यहाँ पे है। इस कमांड के द्वारा हम लिखे गए मैटर के वर्ड को फाइंड करते हैं, जैसा कि इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। जैसा कि अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पेस्ट को, PASTE फाइंड नेक्स्ट करेंगे। हमारा जहाँ भी रहेगा पेस्ट, देखिए एक दो यहाँ है, ये हमारे यहाँ पे एक ही है, ये हमारा फाइंड ये हमारा पेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा रिप्लेस। इस कमांड के द्वारा हम लिखे गए मैटर को वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड को रिप्लेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था, इसी को वह खोज के इसके स्थान पे दूसरा टेक्स्ट लिख देगा। इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट Ctrl+A होता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा व्यू टैब। इसमें बेसिकली यही जूम इन, जूम आउट और रूलर, स्टेटस बार, यही सब होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों अगर वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।